से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं घर से ही ली जाएंगी, कोरोना के चलते ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। छात्रों को घर पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे और छात्रों को ये कॉपियां स्कूल में जमा करवानी होंगी। बच्चों की सुरक्षा के चलते ये फैसला लिया गया। इसके अलावा जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, वो भी नहीं ली जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कक्षा 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षाएं 11 अप्रैल से हो रही है, तो वहीं प्री बोर्ड परीक्षाएं भी 12 अप्रैल से शुरू हो रही है। यह परीक्षाएं दूसरे सिस्टम से कराने की तैयारी की जा रही है। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा सकती है। इसको लेकर हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने से जाना है। सर, परीक्षाओं को लेकर क्या कोई विचार किया जा रहा है? अभी हमारा जो 9th का और 11th की परीक्षाएं हैं ऑफलाइन होना थी, उसके बारे में हम कुछ परीक्षा की पद्धति बदलने पर विचार कर रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों को भीड़ वाले स्थानों पर उन स्कूलों में नहीं आना पड़ेगा, और उसका विकल्प क्या हो सकता है अकादमी से निर्णय करके। ओपन बुक प्रणाली से होगी या फिर ऑनलाइन या घर पर ही उनको ओपन बुक करा सकते हैं, लेकिन ओपन बुक में भी स्कूल में तो आना पड़ेगा ना, इसलिए उसका तो ऑनलाइन के साथ साथ दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। उससे भी उनको प्रश्न बना करके घर करने के लाके दे दें, उसका समय दे दें, उतने दिन में अलग अलग ग्रुप में आकर के दे दें। उससे विभाग में सारी चर्चा योजना बन रही है। घर पर उनके प्रश्न भिजवाए जाएंगे तो वो कॉपियाँ वापस स्कूल में आके जमा कर सकते हैं। वही है कि वो अपने प्रश्नों पत्रों को हल कर करके और ला कर जमा कर देंगे। प्री बोर्ड जो परीक्षाएं वो स्थगित करने की बात अभी परीक्षाएं हम अभी इस साल स्थगित करने पर उस पर विचार कर रहे हैं उसको, क्योंकि नहीं करेंगे प्री बोर्ड शायद अभी करने में कठिनाई। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री हैं जिनका यही कहना है कि इस बार ऑफलाइन की जगह जो कक्षा 9वीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं वो ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है, या फिर उनके घर पर ही जो प्रश्न पत्र हैं वो भेजे जाएंगे और उनका आंसर लिखकर जो बच्चे हैं कॉपी स्कूल में भिजवाएंगे। यानी इस तरीके से जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि स्कूल में ना बच्चों को बुलाया जाए और ना ही ऑफलाइन परीक्षाएं ली जाए। इसको लेकर